वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए देखिए, ये a है, ये b है, ये c है। फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू c कर लेंगे हम। a क्या है, जब कोई नंबर नहीं है तो 1 है, एंड c क्या है, 10 है। इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 10 आ गया। 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि प्लस माइनस जो भी करके हमें माइनस 3 मिले। तो देखिए 5 × 2 = 10 हो गया। ठीक है, अब माइनस का साइन चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाइए, और देखिए ये प्लस हो जाएगा, और ये एक्स दे दिए मैंने इन्हें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हम इस टर्म में इसको डाल देंगे, मतलब इस टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हम यहां पे डालेंगे, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स को एंड देन नेक्स्ट टू टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 1 है ना, कुछ नहीं पावर होती तो 1 होती है। तो इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, देखिए अंदर बचता है 1x माइनस, ये एक्स बाहर आ चुका है तो ये 5। यहां से देखिए, यहां पे प्लस लिया मैंने और 2 कॉमन है दोनों में, देखो 2x एंड 10, 2 कॉमन है तो 2 × 1 = 2x ही रह गया, माइनस 2 × 5 = 10 इज इक्वल टू 0। देखो ये सेम है, यहाँ पे 1 लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं एक ही मतलब है। देखिए इस स्टेप पे हमें ये देखना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर की चीजें एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कॉमन ले लेते हैं हम इनमें से, और अंदर क्या बचता है, ये कॉमन आ गया तो ये एक्स बच गया, ये कॉमन आ चुका है तो ये प्लस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ एक्स इधर क्या क्या हो सकती है, एक एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स यहां रहा, ये माइनस 5 है, यहां प्लस 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, और यहां देखिए एक्स यहां रह गई, प्लस 2 है, यहां जाके माइनस 2 हो जाएगा। हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 − -2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए 2x² + x − 6 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, जिसके लिए देखिए ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए a इंटू c ले लेंगे हम। तो a क्या है हमारा 2 एंड c क्या है हमारा 6, 6 × 2 = 12। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाने हमें, तो देखिए ऐसे फैक्टर्स बनने चाहिए कि हमें 1x मिले। ठीक है, तो यहां पे देखिए 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। अब साइन मुझे प्लस का चाहिए, तो यानी बड़े नंबर के आगे मैं प्लस लगाऊंगी, यहां माइनस लगा देती हूँ क्योंकि मुझे 1 चाहिए। तो 4 − 3 = 1 और बड़े नंबर के आगे का साइन यानी प्लस, यहाँ पे चलिए एक्स दे देते हैं इन्हें। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली है मैंने। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे। 2x, x की जगह क्या डाल देंगे, −3x + 4x − 6 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स एंड नेक्स्ट टू टर्म्स सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे x कॉमन है, 1x बाहर आ गया तो यहाँ पे 2x थे तो 1x अंदर रह गया, 2x माइनस 1x बाहर आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। यहां देखिए, यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं एंड 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 × 2 = 4 और x अंदर रह गया, −2 × 3 = 6। ठीक है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं, इनमें से एक कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचता है, ये कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बचा, एक्स, ये कॉमन आ चुका है तो यहां क्या बचा, +2 = 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे सो द वैल्यू ऑफ एक्स इधर
टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स यहां रह गया, ये माइनस थ्री यहां पे जाके प्लस थ्री बन गया, ये टू इंटू एक्स है तो यहां पे मल्टीप्लाई में था, यहां पर जाके टू क्या हो गया डिवाइड में चला गया, ये एक एक्स की वैल्यू आ गई है। यहां देखिए एक्स ये प्लस टू यहां पे तो माइनस टू यहां पे आ गया, ठीक है। तो देखिए हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर थ्री अपॉन टू कॉमा माइनस टू। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू, ठीक है। ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे सबसे पहले। तो ए इंटू सी क्या आएगा, ए देखिए क्या है रूट टू इंटू सी क्या है फाइव रूट टू। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू टू होता है, ठीक है। तो ये रूट इसको देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिखें रूट टू इंटू फाइव इंटू रूट टू, ठीक है। तो देखिए अब रूट टू और रूट टू क्या हो जाएगा, सिर्फ टू बन जाएगा और ये फाइव ऐसे ही रह गया। और ये देखिए ये फाइव टू जा टेन। तो देखिए टेन के फैक्टर्स बनाने ताकि हमें सेवन एक्स मिल जाए, ठीक है। तो देखिए फाइव एंड टू, फाइव टू जा टेन एंड फाइव प्लस टू सेवन बन जाएगा। इट मीन्स साइन भी प्लस का है तो साइन दे दीजिए इनको और एक्स लगा दिया मैंने। तो देखिए फाइव फाइव एक्स प्लस टू एक्स इज रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स इसकी जगह प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एक्स एंड एक्स, वन एक्स इसमें भी है वन एक्स इसमें भी है, तो वन एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचता है रूट टू एक्स, एक एक्स बच गया क्योंकि एक बाहर है प्लस फाइव, एक्स बाहर आ चुका है प्लस देखिए यहां पर ये और ये इन दोनों में ये टू है। इट मीन्स यहां पर क्या होगा, एक रूट टू होगा और एक और रूट टू होगा, रूट टू इंटू रूट टू टू बनता है। तो मैं इसको पहले ओपन, इसको तो देखिए इसको पहले मैं ओपन कर लेती हूँ, टू को मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख लेती हूँ और ये इंटू एक्स में लिख लिया प्लस फाइव लिखा ये इंटू रूट टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए ये तो मैं सिंप्लीफाई कर चुकी हूं इसलिए मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें से देखिए एक टर्म ये बन रही है और एक टर्म ये बन रही है, इस इन टर्म्स में से एक टर्म ये बन रही है एक टर्म ये बन रही है। देखो ये रूट टू है यहाँ पे भी रूट टू है, यानी ये दोनों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है, तो ठीक है। देखिए रूट टू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एक और रूट टू और एक्स, रूट टू इंटू एक्स रूट एक्स, ठीक है, वही हमने जो यहाँ पे पहले ओपन करके लिखा था प्लस यहाँ पे फाइव क्योंकि रूट टू बाहर जा चुका है इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये एग्जैक्ट टर्म्स आई है बिल्कुल, ठीक है। तो उनमें से एक हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए अंदर क्या बचा ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक्स बचा, ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे रूट टू बचा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ एक्स इधर क्या क्या बन सकती है, रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए रूट टू एक्स यहां रह गया, ये माइनस फाइव बन गया प्लस फाइव था तो, और ये मल्टीप्लाई में तो x रह गया यहाँ पे और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में रूट टू चला गया। यहां देख लीजिए x यहाँ रह गया, ये प्लस में था रूट टू तो यहाँ पे जाके माइनस में रूट टू बन गया। तो x की वैल्यू एक ये आ गई है, एक x की वैल्यू ये आ गई है, हेंस रूट्स ऑफ गिवेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस फाइव अपॉन रूट टू एंड माइनस रूट टू। तो चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए नंबर जो है फ्रैक्शन में है तो इसलिए सबसे पहले इसको सिंपल नंबर नॉर्मल नंबर बना लेते हैं हम। देखिए कैसे, हम एट डिवाइड में लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि यहां पे वन ये एलसीएम ले लिया हमने, वन एट जा एट, उस एट को टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस वन एट जा एट, इस एट को इस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस एट
वन जा एट, ठीक है, इस वन को इससे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए सॉल्व कीजिए, एट टू जा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन, और ये जब यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जीरो से एट किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाता है, जीरो ही बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। अब ए इंटू सी कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो ए क्या है देखिए 16 इंटू वन तो आया 16, इसके फैक्टर्स क्या बने जो 8 बनना चाहिए, 4 एंड 4, ठीक है, माइनस का नंबर देना बड़े नंबर को, दोनों एक जैसे हैं इसलिए किसी को भी दे दो, और ये एक्स भी दे दिया, ठीक है, और ये तो माइनस लग गया, इसके आगे भी माइनस लगाना चाहिए पड़ेगा क्योंकि 4 एंड 4 8 बन जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए इससे हमें माइनस 8 एक्स मिल जाएगा। अब इस टर्म की जगह हम ये स्प्लिटेड टर्म लिख लेते हैं, तो देखिए 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, 4x कॉमन है, 4 4 जा 16, एक एक्स बाहर है तो एक एक्स अंदर, माइनस 4x 1 जा 4x ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस 1 कॉमन है तो अंदर क्या रह गया 4x, और ये माइनस बाहर आ चुका है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं, और 1 बाहर है तो अंदर भी 1 ही रह गया, क्योंकि 1 वन जा 1 ही आता है, ठीक है, जीरो नहीं रख सकते हम क्योंकि 1 वन जा 1 होता है, जीरो रख देंगे तब तो टर्म ही पूरी जीरो बन जाएगी, ठीक है। नाउ देखिए अभी हमारी ब्रैकेट वाली टर्म्स जो है एग्जैक्ट सेम है, इनमें से एक हम कॉमन ले लेते हैं, और देखिए फिर ये कॉमन है तो अंदर क्या बच गया 4x, ये कॉमन है तो अंदर क्या बच गया माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ x इधर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां से अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये यहाँ पर इक्वल टू के दूसरी साइड जाके प्लस 1 बन जाएगा, ये 4x है, देखिए ये 1 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा तो x की वैल्यू एक 1 अपॉन 4 आ गई है, ये भी इसी तरह से 4x इज इक्वल टू वहां गया तो प्लस 1 बन गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में बन गया, ये भी x की वैल्यू 1 अपॉन 4 आ गई है, इसलिए हेंस द रूट्स ऑफ गिवेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4। तो चलिए देखिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए है बी है और सी है, ए इंटू सी इज इक्वल टू ए सी, ए इज 100 सी इज 100, 100 के फैक्टर्स देखिए इस तरह से बनाने कि प्लस माइनस करके 20 बने और मल्टीप्लाई करके 100 बने, तो देखिए 10 इंटू 10 इज 100 और इनको प्लस माइनस, यानी देखिए मैं यहाँ पे प्लस लगाती हूँ माइनस प्लस माइनस लगाती हूँ, प्लस करूंगी तो साइन प्लस का आएगा लेकिन प्लस का नहीं चाहिए, तो देखिए मैं प्लस हटा देती हूँ और माइनस का साइन लगाती हूँ, माइनस 10 माइनस 10 तो क्या बन जाएगा माइनस 20, ठीक। तो देखिए 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट टू टर्म्स एंड देन नेक्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, इनमें से कॉमन देखिए ये 100 ये 10 आ गया, देखिए 10 आ गया, एक x कॉमन है यहाँ पर 10 10 जा 100, एक x बाहर है तो एक x अंदर हो गया, माइनस 10 x 1 जा 10 x ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस लगाया यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, इट मींस 1 कॉमन है, ब्रैकेट लगाते 1 10 जा 1 10 जा 10 एंड 1 x जा x, ठीक है, एंड प्लस 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं क्योंकि माइनस प्लस माइनस बनता है, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट के अंदर की चीजें बिल्कुल सेम है,
ठीक है, तो इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं, 10x-1। देखिए अब यहाँ ये कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बच गया, 10x माइनस, ये बाहर आ चुका है तो ये अंदर क्या बच गया, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब सो वैल्यू ऑफ x इधर, या तो ये इससे निकल सकती है या तो इससे निकल सकती है। ठीक है, अब देखिए 10x ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू के दूसरी साइड अगर -1 जाता है तो +1 बन जाएगा, x ऐसे ही रह गया 1 अपॉन ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में 10 इंटू एक्स है तो 10 डिवाइड में चल जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड बन जाती है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाके सेम ये भी ऐसे ही, ये यहां पर +1 बन गया, ये मल्टीप्लाई में तो एक्स इधर रहा और ये मल्टीप्लाई में तो यहां पे डिवाइड में बन गया। हेंस रूट्स या सॉल्यूशन भी बोलते हैं इन्हें, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। और एग्जांपल 1 कहां पे है, जब हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है 4.2 एक्सरसाइज का। तो एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 45x + 324 = 0। ठीक है, यहां कोई नंबर नहीं, इट मींस 1 है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो इसके लिए a इंटू सी ले लेते हैं जो कि 1 × 324 है, वो आएगा 324। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, देखिए 324 के फैक्टर्स बना लेंगे 2 से, 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 4। ठीक है, देखिए 2 8 16, 2 1 3, 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो चलिए देखिए ये फैक्टर्स बन गए हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये फैक्टर्स बन गए। तो देखिए ये मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ये आता है 36 और ये आता है 9, तो ये मेरे 2 नंबर्स बन चुके हैं जो इस टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए और 45 चाहिए, तो 36 + 9 45 हो जाएगा और नंबर नंबर के आगे माइनस चाहिए, तो इट मींस इन दोनों को माइनस साइन देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो एक्स लगा देते हैं और ये मिडल टर्म स्प्लिट करके ये बना। अब देखिए इसको यहाँ पे यूज करेंगे कैसे, x² इसकी जगह -36x - 9x + 324 = 0। फर्स्ट टू टर्म एंड नेक्स्ट टू टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, x कॉमन आया है, एक x बाहर रह गया, एक x अंदर, x इंटू एक्स, x² - 36 क्योंकि x बाहर है, -9 कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x क्योंकि 9 कॉमन है और ये माइनस बाहर आ गया, तो -, प्लस बनता है इसलिए अंदर माइनस रहेगा और 9 36 = 324। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। और इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो ये ध्यान में रखना होता है कि अगर मेरा ये वाला ब्रैकेट जो है ये बन रहा है तो यहां पर भी यही बनेगा, अगर मैंने ऊपर कुछ गलत नहीं किया, कोई भी स्टेप में कुछ भी गलती नहीं की तो। ठीक है, चलिए देखिए ये दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको ऐसे लिख लेते हैं, और ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, एक्स, ये कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या रह गया, -9 = 0। ठीक है, तो सो वैल्यू ऑफ एक्स इधर क्या क्या बन सकती है, x - 36 = 0 और एक x - 9 = 0। एक्स यहां रहा, ये दूसरी साइड गया तो -36 की जगह +36 बन जाएगा, और ये एक्स इधर रहा, ये -9 है तो वहां जाके +9 बन जाएगा। हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 36
कॉमा 9। चलिए देखिए पार्ट टू कर लेते हैं क्वेश्चन टू का, जो कि एग्जाम्पल वन का भी सेकेंड पार्ट है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। ठीक है, फर्स्ट हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले ए इंटू सी इज इक्वल टू 1 × 750, तो क्या आ जाता है 750। फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स देखो मैंने बना लिए। अब देखो एक नंबर मुझे मिलता है, इससे 25 मिल रहा है, ठीक है, और ये एक मिल रहा है 30। 55 बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस कैसे होगा, साइन भी माइनस का चाहिए, इट मींस दोनों को साइन माइनस का दे देते हैं। ये एक्स मैंने लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 55 एंड एक्स, और साइन रहेगा माइनस का बड़े नंबर के आगे का। ठीक है, तो चलिए अब हम ये यूज करेंगे इस इक्वेशन में रूट्स निकालने के लिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये यूज करेंगे, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये दोनों कॉमन निकलेंगी, एक्स स्क्वायर है तो x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स कॉमन है माइनस, यहां पर देखिए क्या कॉमन लेंगे हम, 30 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर रह गया x और ये माइनस बाहर ले लिया है, तो ये प्लस भी माइनस बन जाएगा, एंड 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि 30 को मल्टीप्लाई करा 25 से तब 750 आता है। तो ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर की चीज एग्जैक्ट सेम है, ये कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, ये कॉमन है तो एक एक्स रह गया, माइनस 30 रह गया, ये कॉमन आ चुका है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इधर क्या क्या होगी, हो सकती है एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू ये माइनस 25 है, यहां जाके प्लस 25 हो जाएगा। ये देखिए x माइनस 30 है तो x इज इक्वल टू वहां जाके 30 हो जाएगा। ठीक है, हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 25, 30। So thanks for watching my channel.